शशांक अरोड़ा जिनको रिसेंटली हम सब ने मेड इन हेवन में देखा था टू तो बी प्लेइंग द रोल ऑफ कबीर हाउ वाज योर चाइल्डहुड ट्रॉमेटाइजिंग तो अभी हम एक्टिंग के डार्क एजेस में कोई एक्टिंग करना चाहता है तो जाओ सेट पे सीख लो देखो कैसे होती है यानी कि समझो इंसान क्यों बर्ताव करता है किस इस तरीके से क्यों सोचता है ऐसे हर पिक्चर 90s को की जो है उसमें से एक्टर सारे निकाल के इरफान को डाल दें तो वो पिक्चर बेहतर हो जाती हर पिक्चर <laughs> कभी तो वैलिडेशन के लिए कोई ऐसी चीज करी जो बाद में बहुत रिग्रेट करी एक दो फिल्में यू क्राई और हूं या मैं आज सुबह रुक गया हूं इतना ज्यादा यू हैव अ हैंड एंड अ फीट फेटिश बहुत लोगों को हाथों और पैरों से प्यार है बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि फेटिश क्या होती है आप प्लीज उनको एक्सप्लेन पहले अबे टट्टी धोड़ी है दिस तो इज लॉकर रूम गाइस यहां पे जो होता है यहां पे ही रहता है

मतलब ड्रामा इन द सेंस कि मैं ड्रामा करता था मैं एक्टिंग करता था नॉट ड्रामा एट होम वो भी था बिग पंजाबी फैमिली और टिपिकल पंजाबी फैमिली टिपिकल नॉन टिपिकल आई डोंट नो स्लाइटली टॉक्सिक स्लाइटली लविंग जो होती है जैसे हिंदुस्तान में सबका परिवार होता है सिंगल <laughs> चाइल्ड hmm. हो आप बड़ी hmm. बहन है मेरी आई ओल्डर सिस्टर शी इज अबाउट या शी इज 5 इयर्स ओल्डर टू मी शी इज अ पेंटर

and then uh, I told my actor that uh, my my dad that I want to be an actor, and he said acting करनी है तो पढ़ो, acting पढ़ो और उसके बाद I took it seriously. बहुत कम लोग ऐसे कहते हैं वैसे usually ना कि acting पढ़ो हाँ मतलब usually यही होता है ना कि ठीक है सत्रह अठारह साल के हो गए बॉम्बे चले गए try करो हाँ and, क्योंकि और हो गया तो हो गया सही बात है यार uh, because I think यार uh, 1700s में अगर doctor बनना था और तुम बोलते कि मुझे मेडिकल साइंस पढ़ना है तो तुम्हें बोलते थे कि जाओ वो झाड़ू उठाओ टोड़ा टोटका तोड़ वाला है उससे सीख लो uh, क्यों ऑक्सफर्ड जाना है क्यों मेडिकल से है क्या लिखा है इसमें तो अभी हम एक्टिंग के डार्क एजेस में कोई एक्टिंग करना चाहता है तो है, जाओ सेट पर सीख लो uh, देखो कैसे होती यानी कि समझो इंसान क्यों बर्ताव करता है कि इस तरीके से क्यों सोचता है ऐसे इंसानों में क्या अलग होता है क्या क्या तो इन द डार्क ऑफ एक्टिंग

तो तो जो एक्टर uh, शायद नहीं क्राफ्ट uh, को पढ़ के और और वो वो ऑलरेडी इतना अच्छा है है अगर वो पढ़ने तो वो और अच्छे हो जाएंगे सो इट्स टू रिसीव एन एजुकेशन इन यू डू वी कैन दैट कभी-कभी ये भी होता है ना कि बहुत सारे लोग डिग्री लेके वापस आ जाते हैं, hmm. go colleges, hmm. abroad, होता है। hmm. आपको आपका ब्रेक कहां से मिला,

दूसरा काम मिलेगा सो आई 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 ऑडिशन वेरी यू नो ऑफन एंड देन दिस ऑडिशन फॉर तित्ली वॉज हेपनिंग दिस फिल्म बाई यशराज एंड दिबाका बैनर्जी डिरेक्टेड बाई कर्नू बैल और राजकुमार राव ने उस पल आई थिंक यू वॉज सिलेक्टेड फॉर तितली और वॉज अबाउट टू गेट द फिल्म एंड डेंट वर्क आउट फॉर समीजन आर एंड पर आप हमेशा से इतने सिक्योर थे कि अगर नहीं हुआ तो शायद मैं उसके लिए ठीक नहीं हूँ मतलब ये आइडियोलॉजी अपनाना हाँ। बहुत लोग बहुत टाइम बाद कर पाते हैं हाँ मैं था मेरे को वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी दुनिया से मेरी ईगो बहुत बड़ी थी और क्योंकि मैं प्रिवलिज हूँ एक घर से हूँ जहाँ मुझे खिला पिलाया गया है बचपन से मुझे डर नहीं था कि कल रोटी नहीं होगी या कल काम नहीं होगा तो जिंदगी कैसे चलेगी तो अब उसे क्यों and i was you know uh, i'm privileged like that so i can afford to be secure like you know like that but of course you judge yourself yaar uh, you feel like are mai chhota hu you know my height is less mai patla hu kya and slowly slowly you deal with these judgments and you become a uh, a better person and a better actor तो जब एक एक्टर स्टार्ट कर रहा होता है अपनी जर्नी hmm. तो वो किस चीज़ को दिमाग में रख के स्टार्ट करता है कि मतलब उसके लिए वो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है क्या पैसा होता है कि उसको उस रोल के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं क्या वो ये चीज़ होती है कि कितने लोग मेरा ये वाला काम देखेंगे या फिर क्या ये, वो ये वाली चीज़ होती है कि मैं कितना सीखूंगा इस रोल से सो hmm. so, अगर इस मैट्रिक्स में देखी जाए और ये मैट्रिक्स एक्चुअली आई थिंक जाकिर खान ने अपने किसी इंटरव्यू में समझाई थी या बताई थी कि और उन्होंने उनका ये मानना था कि इन तीनों में से अगर मेरे को कहीं से भी डेढ़ मिल रहा है hmm. कोई भी डेढ़ पॉमिटेशन कॉम्बिनेशन में वो फिट हो रहा है आई वुड टेक द रोल सही बात है तो इसमें एक आ, कहानी भी है पम्पिटेशन में और लोग हैं जिनके साथ तुम बना रहे हो तो सही बात है उधर अगर दो तीन पॉइंट उधर हैं थोड़ा पैसा है तो, थोड़ी कला है तो यू टेक इट बट अक्सर अगर तुम फेम के लिए एक्टिंग करना चाहते हो तो एक्टिंग मत करो बिकॉज नहीं बिकॉज uh, फिर तुम बहुत बोरिंग एक्टर बनोगे अगर तुम्हें खाली फेमस होना है तुम्हें खाली लोगों का प्यार चाहिए तो तुम दस चीज़ें कर सकते हो यू नो दैट्स

she was a writer mom class teachers uh, of course aapki wo childhood crush childhood crush jisko main bahut kahaniyan batata tha yeah lots of lots of reasons there uh, from the parents to friends to everything abhi tak hmm. koi aisi um कुछ ऐसा आपने काम जैसे आई लव योर वर्क राइट जो मैंने आपकी देखी आपने आई थिंक सात फिल्में I hmm. think आपने करी हैं ज़्यादा दस पंद्रह पिक्चरें की होंगी पिक्चरें करी हैं आपकी वो जो लाइनअप है हाँ। वो इतना इम्प्रेसिव है मतलब उसमें है, इतने लेयर्ड कैरेक्टर्स इतने लेयर्ड रोल्स रोल्स कुछ डार्क मेड इन हेवन फॉर एग्जांपल राइट आई मीन बहुत ज़्यादा लेयर्ड कैरेक्टर और ऑफ uh, कोर्स बहुत सारे लोग आपसे पूछते होंगे कि आप कितने सिमिलर हो कबीर से कितने डिफरेंट हो कबीर से और ये क्वेश्चन आपको हर मूवी के लिए आता होगा बट आपके लिए कोई लाइफ चेंजिंग इनमें से कौन सा था आई थिंक हर कैरेक्टर तुम्हारी लाइफ चेंज करता है uh, तितली ब्राह्मा um, नमन दिस कैरेक्टर कॉल मुन्ना जो सॉन्ग ऑफ कॉपीर इरफान सर के साथ है uh, सलीम जो एक मलयालम फिल्म में मैंने किरदार निभाया था मूथन uh, पिक्चर का नाम hmm. है कबीर फ्राम हेवन uh, सब यार सब uh, ये सब मेरे अंक हैं कबीर सलीम तितली ब्राह्मा नमन मेरे प्रोडक्शन है दर्ड पार्ट ऑफ मी सो आई यू नो यू चेंज बिकॉज ऑफ यू लर्न बिकॉज ऑफ द मॉल यू लर्न अबाउट लाइफ तितली ने मुझे

अगर मैं देखना चाहूँ एज अ कंज्यूमर एज अम्बड़ी हू कंज्यूम्स शशांक शशांक कंटेंट, मेरे को ये सब समझ आएगा मैं भारत के लिए क्यूरियस हूँ तो मुझे बोला गया कि ये है स्क्रिप्ट तो इस पिक्चर का नाम भारत है इसमें आप सलमान खान के भाई के लिए कास्ट हो सकते हो आप स्क्रिप्ट पढ़ें और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और स्क्रिप्ट ठीक थी इंडिपेंडेंस के बारे में थी और एक फैमिली के बारे में थी जो अपनी एक लॉस सिस्टर ढूंढ रही है तो ऑन ऑन पेपर इट वाज अ स्क्रिप्ट आई वाज फाइन विद सो आई वाज लेट मी लर्न लेट मी बी अ पार्ट ऑफ दिस सर्कस एंड लेट मी विटनेस दिस सर्कस क्लोज क्लोज्ड हैंड एंड दैट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो कई-कई चीजें तुम सीखने के लिए लेते हो क्या सीखा और ऑफ कोर्स हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हजार लोग जब सेट पे चिल्ला रहे होते हैं तो कैसे काम करना होता है हजार uh, लोग उस सब के बीच इट्स अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर कंप्लीटली राइट आई एम यूज्ड टू स्मॉल फिल्म्स वेयर यू हैव

आप कभी स्टार्टअप हुए हो इंडस्ट्री में इतने साल काम करके हाँ uh, कब ओमपुरी के साथ uh, एक बार मेरी रिहर्सल थी hmm. uh, मेरा मुंह नहीं खुल रहा था नसीर सर नसीर दिन शाह इरफान शबाना आजमी को देख के मैं आई गेट स्टार स्ट्रक कम्प्लीटली एंड मे बी फ्यू हॉलीवुड एक्टर्स एक्टिंग पढ़ी है इनने hmm. और इनने एक्टिंग को ध्यान दिया और ह्यूमन uh, बिहेवियर uh, पे ध्यान दिया है सो दैट्स कॉमन इन ऑल दीज पीपल

और इस इंडस्ट्री में काम के साथ बैलेंस hmm. करना इजी होता है रिलेशनशिप नहीं टेक्स अ टोल इट कैन बिकॉज़ आज अब आई लाइक यू यू नो यू आर शूटिंग तू फाइव इन द मॉर्निंग एंड इट्स हार्ड ऑन द पर्सन यू आर विद अंलेस दे आल्सो हैव अ स्केट्यूड लाइक दैट सो या इट्स हार्ड दैट्स �

Uh, वो यू you नो know, शादीशुदा थी ऑलरेडी यू नो आई हैव अ क्रश ऑन जिम साहब या आई मीन यू नो अ क्रश ऑन जैज जीनत तमान टू हु टू आई से अच्छा मेरी गर्लफ्रेंड ये देखने वाली है बाद में लेट्स स्टिक टू जिम सर लेट्स स्टिक टू जिम सर देन आपको लगता है कि जैसे अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं um they're exactly what actors like you guys right i mean mm jo,

so it's of course better for every artist. Eh? the more the more distribution we have, the more theaters, the more ott uh, platforms, the more uh, theater, i mean, the more stages, the more radio. Uh, it's an avenue for an artist to show their, their work, though, of course. of course. in distribution hmm. perspective, say, or hmm. hmm. just say, for example, ott offers range. it does, but you range, is a quality of in the sense that i know what you're saying, hmm. uh, but.

नहीं यार बहुत सरल बात है काम जितना मिलता हूं कर मतलब मिलता है करता हूं एंड आई आई डिडंट फाइंड दैट करेजियस आई थॉट आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट पता है मैंने क्यों बोला करेजियस है अच्छा जैसे हम मीडिया इंडस्ट्रीज़ से हैं राइट right? हम लोग भी कंटेंट बनाते हैं हमें भी पता है कि पीआरस कैसे काम करते हैं पीआरस का वो फॉर्मलाइज्ड होती है ना कुछ चीजें के कि इस इंसान को एक पर्टिकुलर लाइट में दिखाना है कि ये ये, ये ये भी कर रहा है ये ये भी कर रहा है एंड वो वो पूरा एक इमेज क्रिएशन जो होती है पीआर पर्पसेज से जी. तो उससे परे हट के लाइक गोइंग अगेंस्ट ऑल ऑफ दैट कि मेरी एक सोटन इमेज होनी चाहिए आई शुड कम अक्रॉस एज एम डूइंग सो मच आप वहाँ पे थे hmm. आई मीन थैंक यू फॉर सेंगे मे बी सोसाइटी एक दूसरे से इतना झूठ बोलती है कि हमें लगता है कि एक इंसान सच बोल रहा है तो वाह कैसे बिग डील हम एट लीस्ट इतना बोल सकते हैं कि क्या चल रहा है हमारी जिंदगी में दिज द लीस्ट वी कैन डून आई कॉन्ट कंट्रोल आई कॉन्ट कंट्रोल आपको मैं पसंद आऊँ कि नहीं आऊँ mm. अब मैं जितना भी प्यार mm -hmm. कर लूँ uh, uh, शायद आपको मेरी एक्टिंग नहीं पसंद आएगी और मैं शायद प्यार नहीं करूँगी मेरी पी आर टीम थी नहीं आधे एक साल तक

नहीं वी वुडंट वांट दैट क्यों लगा कि वो गलत गलत फिल्म में थी या गलत डिसीजन था एक सोसाइटल वैलिडेशन चक्कर के में पड़ जाते हो, hmm. या कभी -कभी हो या तुम कभी-कभी इनसिक्योर होते हो या तुम कभी-कभी तुम्हें पैसों की जरूरत होती है कि एक्चुअली दिस थिंग आपके इंस्टाग्राम की बायो है राजमा जी आपको क्या राजमा पसंद है आई लव राजमा सम गुड हां राजमा चावल तो आई मीन व्हाई नॉट राजमा गाइस व्हाई नॉट राजमा कढ़ी चावल रख देता हूं क्या जी आपको नहीं मतलब व्हाई फूड उधर में लिखू एक्टर म्यूजिशियन सन ब्रदर दैट्स नॉट मी लेफ्ट राइट या राजमा इज मोर मी देन आई एम एन एक्टर मतलब आई एम नॉट एन एक्टर है मैं बेटा भी हूं और मैं आशिक भी हूं और मैं बच्चा भी हूं और मैं यू you नो know, बड़ा भी हूं तो मैं उधर बस एक शब्द में बोल नहीं सकता मैं ये हूं ब्लॉगर राइट विंग Left wing. <laughs> नहीं भाई आ, मेरी जिंदगी में में मेरे इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो राजमा शायद अच्छा डिफाइन करता है उसको अभी बात हो रही थी कि काम से रहे हो, तो नहीं आएगी नहीं. अगर आप स्टेबिलिटी एक, एक दिमाग का संतुलन कहीं और मिल जाएगा आ, पर एक्टिंग आर्ट से स्टेबिलिटी कभी नहीं आती है एक एक्टर के लिए hmm. जहाँ पे यूर वर्किंग फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और आपको पता नहीं है कि अभी ये वाला प्रोजेक्ट है इसके बाद कोई नेक्स्ट आएगा या नहीं आएगा या कब आएगा right. और कैसा आएगा right. ऐसे में हाउ डज अ पर्सन प्लान हिज लाइफ यू कान यू कान प्लान योर लाइफ योर वर्क प्लान योर लाइफ so you you can't and i think actors are not the only ones uh, who who i think there's also uh, people in

जब कोइंसाइड होता है तब तो चांदी इट्स ऑसम बट या आई मीन मैं बहुत रोता हूं uh, इसका ये मतलब नहीं मैं रोत लू पर मैं रोता बहुत हूं फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ना या आई मीन सो यू डोंट गो मैड मतलब व्हाट एल्स रोना आता है तो रोना चाहिए और, uh, तो और जब हंसी आती है तो हंसना चाहिए और जब फाट आती है तो फाट करना चाहिए यू अंदर रखो तो इट्स ऑल फॉर या एंड दैट्स दैट्स लाइफ किसी ने बोला hmm. था ना कि जब कुछ जब दुखी हो तो ज्यादा रोना भी नहीं चाहिए और जब खुश हो तो ज़्यादा हंसना भी नहीं चाहिए ताकि कैंसर हो जाए <laughs> और फिर uh, नहीं यार uh, जो तुम फील कर रहे हो उसको फील करो दुखी होने का मतलब नहीं तुम सफ़र करो uh, uh, खुश होने का मतलब नहीं कि तुम बावले uh, हो जाओ इस खुशी में it खुश हो uh, पर डोंट लिव इन हैप्पीनेस बी सैड बट डोंग सो बट एक्सपीरियंस इट यू हैदरवाइजन वट्स

ज ऑल पार्ट द प्रॉब प्लीज अगर आप मर्द हो आप रो शायद थोड़ी अकल आ जाए रो रो कर बिकॉज बचपन से जितना रोना रोका है तुमने इस एल्यूजन इस, इस के लिए वो बड़े होकर गुस्सा बन रहा है उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में दस प्रॉब्लमें हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज फॉर द वेरी रीजन वी टेल मैन नोट टू क्राई सो आई विल कराई वही हमारी फिल्मों के द्वारे कहानियों के द्वारे सोसाइटी के द्वारा इंग्रेन uh, uh, किया गया है हमें Uh, products uh, from cosmetics to uh, from cars to uh, everything they engrave this sort of uh, you know separation of 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 what a man and a woman is and it's incorrect and hopefully I'll never fall prey to that hopefully mai rota rahunga <laughs> I mean you don't know think yeah <laughs> yeah अगर आपको एक अल्फा मैन डिस्क्राइब करना होता अपने अपने इस डेफिनेशन में जो पेट्रियार्की के इस दायरे से बहुत बाहर होता जो रोता है जो हंसता है जिसको पता है मैं कमजोर हूँ जिसको पता है कि मैं uh, मजबूत हूँ जिसको पता है कि मैन इज नॉट कि सबसे अल्फा मेल भी जाके रोता है और मतलब पता है प्यार क्या होता है और जो यू नोट सरेंडर्स टू द वर्ल्ड

I mean, losing my family is my biggest fear, yeah. Uh, losing my mother and my sister and my father. But usually, वो fear कहीं ना कहीं से instigate होता है. My mom had cancer जब मैं 16, 15 साल का था. She had breast cancer. अब वो ठीक है. I think उस point पे मैं डर गया था बहुत. Sorry. मैं तो क्या हूँ? मैं she's fine now and uh, she's good now. Uh, that's when I started smoking also. Okay. I was stressed out. बच इज ऑसम वो मुझे कीमोथेरेपी के बाद स्कूल से उठाने आती थी <laughs> उस वक्त तो आई थिंक उस वक्त की वजह से मुझे ऐसा uh, थोड़ा फील होता है आई थिंक किसी की भी मतलब सबसे बड़ी नाइटमेयर यही है यार कि फैमिली नाउ बिल्कुल नो आई वाज क्लोज टू माय व्हाट अबाउट यू आर यू क्लोज टू योर पेरेंट्स आई एम वेरी क्लोज टू माय पेरेंट्स यू मिस योर पेरेंट्स योर मॉम एंड योर डैड बोथ बोथ एंड माय ब्रदर आई रिसेंटली लॉस्ट माय डॉग आई एम सॉरी टू हियर दैट इट्स ओके आई होप ही इज इन अ बेटर प्लेस माय डॉग आल्सो आई डैशन

Is that why you love? Is that also why you love working with Zoya Akhtar? Oh, that's why I like working with women as well. Yeah, less toxic masculinity, less. फालतू का ईगो सेट पे लेस फालतू के गेम सेट पे वीमेन डोंट कम विद दैट प्री डिस्टाइन नोशन ऑफ हायराकी दे डोंट ब्रिंग इट टू सेट अ लॉट ऑफ वीमेन डोंट दैट्स इन माय एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ मेन डू इन माय एक्सपीरियंस एंड सो इट्स इजी टू वैसे मूवी सेट्स पे अभी भी फील होता है कि यार दिस इज बहुत ही ज्यादा पेट्रियाकल वे में वाली चीजें हो रही हैं और जेंडर hmm. जेंडर बायस है अभी hmm. भी होता है ऑफ कोर्स सर आप बाहर सड़क पे देखिए क्या हो रहा है आप गुस्से वाले थे नहीं यार मैं गुस्से वाले नहीं हूं आ, पर ना इंसाफी के मामले में हो सकता है कभी-कभी आई डोंट थिंक मैं गुस्से पर्सन हूं आई डोंट गेट एंग्री फॉर नो रीजन एटलीस्ट पर

और फिर आई वाज ट्राइंग टू पेंट फ्लूइड आर्ट होता है ना जिन पेंट hmm. डालते हो उसमें हां सब करता रहता तो. हूं काफी सेंट्रिक चीज है आई डोंट नो आई गेस सो आपको किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना पसंद है आई वाज वाचिंग बाबी बाबी इज अमेजिंग यार एंड ओपनहाइमर हम तो दोनों बिल्कुल अलग हैं तो कौन सी बेटर लगी या कौन सी व्हिच वन स्टेड विद यू Greta's work is extraordinary. Uh, I didn't want to watch Oppenheimer. You Because I don't want to watch what happened when the Americans bombed the Japanese. I don't want to know. I I know what happened. I don't want to see it again. Um, I want to see Barbie uh, because Barbie was Greta Gerwig's view of of how Barbie has to deal with this patriarchal shit world, and I think that's very interesting. Hmm. And I think that's more relevant. um as a story to be told now than Oppenheimer. Uh, Barbie is more important as a story right now. Uh, yeah. As far as I'm concerned, I could be wrong. अगर तुम नहीं अग्री करते हो तो बाहर में जाओ मुझे नहीं फर्क पड़ता है तो so, मेरे हिसाब से ऐसा है पेट्रिया की का एक वैसे दूसरा hmm. पहलू भी होता है और उसमें ये वाली चीज़ होती है कि आ, uh, हमें एज अ सोसाइटी ऐसे कंडीशन किया हुआ है कि बचपन से लड़कों पे ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं डिफरेंट चीज़ों के फॉर एग्जाम्पल

तो इसलिए तुम्हें प्रोवाइड करना है तो वो आवाज़ थोड़ी घसी पिटी हो रही है यार एंड येस देर इज़ अ प्रेशर दैट प्रेशर कम्स फ्राम परहैप्स नॉट द मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ वॉट द वर्ल्ड इज़ नाउ वो जो थॉट है वो शायद ऐसे वक्त की थॉट है जहाँ और भी औरतों को दबाया जाता था और भी बोला जाता था तुम कि ये नहीं करोगी ये करोगी वो नहीं खाओगी ये खाओगी तुम उधर वो पहुँचोगी तो वो वो आवाज जो ये कहती है वो वही वो uh, मर्दों को कहती है कि तुम मर्द हो और वो नारी है और uh, इस आवाज को जब तक हम बुलाएंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा इंटरेस्टिंग लाइफ में

हाथों और पैरों से प्यार है बहुत लोगों को पता ही नहीं कि फेटिश क्या होती है आप प्लीज उनको करो आपको जो चीज़ बहुत पसंद होती है यार आपको कलर से फेटिश हो सकती है खाने से फेटिश हो सकती है पैरों से हो सकती है होटों से हो सकती है आवाज से हो सकती है जो चीज आपको बहुत पसंद आए वो आपकी फेटिश है जिससे आप टर्न ऑन हो जिससे आपको

इस तरफ है चल उस तरफ बाइक ले चल बाइक चला रहा था वो पीछे बैठे हुए थे पतंग उनके हाथ में थी डोल और चरखी अटकाई हुई थी और गुलकन का हलवा था और फिर एक पॉइंट पर उन्होंने बोला रोक और चरखी पकड़ तो मैं चरखी पकड़ मट्टी में बैठा था और वो पतंग उड़ा रहे थे और वो पतंग पाकिस्तान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे oh. बहुत ही एंटरटेनिंग इंसान बहुत ही बहुत ही लाजवाब इंसान है आई लव हिम आई वेरी कूल गैर one of the coolest guys in our industry is he everything what people say he is and more and more oh in fact har picture 90s ko uh, ki jo hai usme se actor sare nikal ke irfan ko dal dein to wo picture behtar ho jati har picture to matlab aksar zaroori nahi aadhe 90s cinema ka actor hoga just you know जैसे jaise इरफान खान को आपने बोला कि वो अपने apne time ke best actor the i think aapne tweet kiya tha that sanjeev kumar was also no, the best actor of his time i did ha, he was one of

खूबसूरत कलाकार असली बलराज बोला था आई थिंक आप अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे आ, किसी के साथ तो और उसमें आपने बात करी थी कि कैसे जब आप स्टार्ट ही कर रहे थे तो आई थिंक कोई एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से आप काफी डीमोटिवेट मतलब कोई हो सकते थे बट हुए नहीं थे आई थिंक स्टार समथिंग ये तो मैंने बहुत साल पहले ट्वीट किया था यार कुछ आठ साल पहले या कुछ वो बाबरे डू यू नो क्या हुआ था क्या हुआ था एक बहुत ही दिग्गज कलाकार एक बहुत ही दिग्गज प्रोडक्शन हाउस मैं उधर बैठा था हुँ. नौकरी चाहिए थी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था और वो आके मेरे बाजू में बैठे मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ उन्होंने बोला क्या नाम है मैंने कहा शशांक करोरा से आए हो दिल्ली से रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट खोल एंड दिस वॉज माई फर्स्ट फिल हार्ट ब्रोकन बिकॉज मैंने बचपन से उन्हें देखा है मैं बहुत रोया घर जाके मैं बहुत रोया मैं बहुत रोया मैंने किसी को बोला भी नहीं मैंने कहा यार जो एक्टर मेरे को बचपन से पसंद था उसने मेरे को बोला तो जाके रेस्टोरेंट खोले ना कुछ बात की ना कुछ हुआ ना कुछ मैं लिटरली और मैं ऐसे करके मैंने कहा हाँ सर आप सही बोल रहे हो बं, 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 बंगाली रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ पता नहीं क्या बोला था मैंने उसके बाद mm. कुछ तो बोला था और फिर मैं रोया था और बुरा लगता है अगर तुम्हारा जो बचपन से एक इंसान

इट्स नॉट द इजीएस्ट अगर एक्टिंग नहीं होती तो मैं दुकान खोल लेता अगर दुकान नहीं खुलती तो मैं फिजिसिस्ट बन जाता फिजिसिस्ट नहीं बनता तो मैं uh, 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 पेंटर बन जाता पेंटर नहीं बन पाता तो मैं शेफ बन जाता कुछ ना कुछ अगर कुछ नहीं कर पाता तो फिर कम ही शायद मुझमें नो तो आई डिडंट आई डिडंट पुट इट ऑन द पेडस्टल बी लाइक अरे मेरे को एक्टर बनना है और एक्टर नहीं बन पाया तो क्या होगा मेरी जिंदगी का बट हम अब आ, आगे निकलेंगे क्योंकि हमने अब काफी बातें कर ली हैं सो वी हैव

बट um, तारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हम उसके साथ गलत कर रहे हैं आदिल ओ कल की यस नॉट बैड अबे टट्टी थोड़ी है तुम लोग बड़ा मेरा बेवकूफ हो गया और आई कांट टेल दिस मैन इज सच अ वंडरफुल एक्टर यार ही इज द बेस्ट एक्टर इन मीडियम अह wow, so much pressure on me. Hmm. Uh, मैं पैसा विजय विजय राज yes? oh, love him. Love his yeah, idea. I thought you'll get it on. I tatti thodi ya. <laughs> <laughs> Sorry. This is not how you talk, sir. <laughs> At all. Uh, Thank God you mere paas nahi aaye. Main na bol paati. Hmm. Thank God you mere baare <laughs> mein kisi ne nahi, nahi bola ke main bhi aise hi baat karta hu. Ha. Right. Okay, go. Um, ye sabse fun character hai set pe. Sabse fun actress hai set pe. Made in ke. आपको तीन शब्दों में गैस कराना आप मुझसे सीखिए यस yes. जिनका आपका क्रश भी है जम सर हाँ बहुत है बहुत क्रश है जम जम सर पे अगर तुम सांस ले रहे हो तो तुम जिंदा हो शाहरुख खान नहीं नहीं, नहीं।, नहीं। <laughs> जिन्द। <laughs> जिन्द। <laughs> हाँ वो तो गुड गैस ना वो जस्ट लाइक है ना जिंदा हो तुम जिंदा हो तुम तो अच्छा अब फरहान यस

मुझे बहुत नहीं मुझे बहुत खराब लगा मेरे वक्त बर्बाद किया तुम लोगों ने आज <laughs> 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 ये किसकी मिमिक्री हो रही थी <laughs> ये मैं ही था यार <laughs> मतलब पर हाँ हो सकता है कोई भी आप yeah. जो भी समझ सकते हैं yeah. अपने मन में uh, जिसको भी थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर सेइंग द स्वीट थिंग्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वर्क एंड रीडिंग माय ट्वीट्स एंड बीइंग अ जासूस यस वी ग्रेट जासूस एंड जस्ट लाइक दैट वी विल कम बैक नेक्स्ट वीक विद अ ब्रांड न्यू एपिसोड अंटिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब to men's xp